और अब इस लॉकडाउन की सबसे दर्दनाक तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो आपको झकझोर कर रख देगी। बिहार के जहानाबाद से देखिए ये तस्वीरें, बिहार के जहानाबाद की है। एक माँ की चित्कार ऐसी कि आपकी रूह कपा दे। दरअसल लॉकडाउन के बीच बिहार के जहानाबाद से इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एम्बुलेंस न मिलने की वजह से अपने बीमार बच्चे को खो देने वाली एक माँ, उसके बाद अपने गोद में ले हुए बच्चे को रोड पर इस तरीके से भटकती रही। ये घटना सदर अस्पताल की है। आरोप है कि इलाज के अभाव में मासूम ने दम तोड़ दिया और उसके बाद माँ की गोद में ही 3 साल के बच्चे को लेकर माँ सड़क पर दौड़ पड़ी कि कहीं उसे कोई मदद मिल जाए, एम्बुलेंस मिल जाए, ताकि कम से कम अपने बच्चे का शव लेकर वो जा सके अपने घर तक। दरअसल बच्चे को खांसी बुखार की शिकायत के बाद जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने उसे बेहतर इलाज के लिए PMCH रेफर किया, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एम्बुलेंस का इंतजाम नहीं हो पाया और सरकारी एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाया। जबकि परिवार ने आरोप लगाया है, बकायदा पिता ने, कैसे 2 से 3 एम्बुलेंसेस खड़ी थी, इसके बावजूद परिवार को एम्बुलेंस मुहैया नहीं करवाई गई। खांसी अब हफनी था, हम दिखाए कुर्था हॉस्पिटल में, वो रेफर कर दिए, रेफर करे हाँ आए, 2 घंटा हो गया। डॉक्टर साहब बोले कि ऑक्सीजन लगा के जाओ एम्बुलेंस में। हम गए, बोले कि भैया थोड़ा सा जल्दी कीजिए, मेरा सीरियस पोजीशन में है बच्चा। वो बोले कि नहीं है गाड़ी, आ गाड़ी लगल है, 2-2, 3-3 गो एम्बुलेंस ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। कैसे आप जाइएगा? टेम्पू से आए थे। अब जाइएगा कैसे, पैदल जा रहे हैं? हाँ पैदल जा रहे हैं। हाँ पैदल जा रहे हैं। तो क्या एम्बुलेंस आपको नहीं मिला? नहीं एम्बुलेंस नहीं मिला, नहीं मिला एम्बुलेंस, नहीं मिला। इसकी सूचना तो हमें नहीं है, अभी तो सिविल सर्जन आए थे, फिर हम उनसे पूछ लेते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। इस पर तो सख्त निर्देश दिया हुआ है कि कोई भी व्यक्ति, ये तो अभी कोरोना का संकट चल रहा है, आम दिनों में भी कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट यदि कहीं आता है और उसको कहीं रेफर करना है तो हम लोग उसको तुरंत एम्बुलेंस से भिजवाते हैं। ऐसा कैसे हुआ है, क्या हुआ है, और उस समय जो ड्यूटी डॉक्टर थे या जो हमारे मैनेजर वहाँ पे, उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई करेंगे। कोरोना संकट के बीच बिहार के जहानाबाद से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर आई है। दरअसल यह तस्वीर बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं की पोल खोलती है। कुर्था की रहने वाली यह महिला अपने नाबालिग बच्चे को लेकर जहानाबाद पहुंची थी। कुर्था से इसे अस्पताल से रेफर कर दिया गया जहानाबाद अस्पताल में, जहां सदर अस्पताल में एम्बुलेंस का इंतजार करते करते इस बच्चे की मौत हो गई। दरअसल जहानाबाद सदर हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भी इसे पटना के PMCH रेफर कर दिया था, लेकिन एम्बुलेंस न होने की वजह से इस मासूम की जान चली गई। दरअसल ये कोई पहला मामला नहीं है। कोरोना के डर से बिहार के सारे अस्पतालों के OPD को पहले से ही बंद कर दिया गया है और ऐसे में जिलों में जो भी मरीज जा रहे हैं उन्हें वहां से सीधे पटना रेफर कर दिया जा रहा है। लेकिन लॉकडाउन की इस स्थिति में न तो कोई प्राइवेट व्हीकल मिल रहा है और ना ही उतने एम्बुलेंस। नतीजा ये है कि मामूली से मामूली बीमारी के बावजूद पटना आने के दौरान वो दम तोड़ दे रहे हैं। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, पटना News 24। सुहासन बाबू के चेहरे पर ये एक ऐसा काला धब्बा है, लॉकडाउन की जब जब याद की जाएगी तब इन तस्वीरों को याद किया जाएगा और ये धब्बा किसी साबुन से नहीं धुलने वाला है, ये तय है। हम चंडीगढ़ का रुख कर रहे हैं। चंडीगढ़ में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है। संक्रमण की नजर से संवेदनशील इलाकों में पुलिस लगातार गश्त कर रही है।